हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मॉमी ऑन द ब्लॉग। ये आपकी प्रेगनेंसी का 19th वीक है। अब तक आप अपने बेबी को मूव करता हुआ महसूस करने लगी होंगी, और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो कुछ ही दिनों में आप अपने बेबी की किक्स और मूवमेंट्स को महसूस करने लगेंगी। देखते ही देखते आपने इस सफ़र को आधा पार कर लिया है। बस कुछ ही महीनों की बात है और फिर आपका बेबी आपकी गोद में आ जाएगा। आइए जानते हैं इस वीक आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। इस वीक का सबसे मेजर चेंज है इंक्रीज इन वेट। आपकी बढ़ती हुई बैली के साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वो है आपका वेट। अब आपको लेग क्रैम्पिंग भी काफ़ी परेशान करेगी, स्पेशली रात के समय। पर पैरों में दर्द होना प्रेगनेंसी का एक आम सिम्टम है, इसीलिए घबराएं नहीं और फ्लूइड्स पर्याप्त मात्रा में लेती रहें। आप खूब पानी पिएं। आपकी डाइट में जितने ज़्यादा लिक्विड्स होंगे आपको ये परेशानी उतनी ही कम होगी। अब आपको लोअर बैक पेन या कमर दर्द भी हो रहा होगा, ये भी आपके बढ़ते हुए पेट के कारण है। इसके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। अब अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है या हल्के हल्के चक्कर आते हैं तो ये इस समय दिखाई पड़ने वाला प्रेगनेंसी का एक आम सिम्टम है। अगर आप पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द से परेशान हैं तो ये भी आपके बेबी के बढ़ते हुए वेट के कारण हो रहा है। इसे राउंड लिगामेंट पेन भी कहा जाता है और ये आपको पेट में एक तरफ या दोनों तरफ महसूस हो सकता है। इसके अलावा आप रियलाइज़ करेंगी कि अब आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। ऐसा प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस और इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो के कारण हो रहा है। इससे बचने के लिए आप स्पाइसी खाने से थोड़े दूर रहें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। आइए जानते हैं इस वीक आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस होंगे। इस हफ्ते आपके बेबी की लंबाई लगभग 6 इंच और वज़न लगभग 250 ग्राम है। अब उसका हेड टू बॉडी रेशियो लगभग ठीक हो गया है। उसके हाथ पैरों की लंबाई भी उसके शरीर के अनुपात में है। अब आपके बेबी के सिर पर हल्के हल्के बाल भी उगने शुरू हो गए हैं। बेबी का ब्रेन भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया है, जो कि उसकी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। यानी कि अब बेबी का ब्रेन सभी तरह के सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि सुनना, देखना, सूंघना या टच करना। अब बेबी आपके एमनियोटिक फ्लूइड में फ्रीली स्विम कर रहा है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि अब तक आप इन मूवमेंट्स को महसूस भी कर चुकी होंगी। पर कुछ केसेस में जहाँ प्लेसेंटा यूट्रस के आगे होती है, औरतों को ये मूवमेंट्स फील करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो अगर अभी तक आपने ये मूवमेंट्स फील नहीं किए हैं, आप और आपके पार्टनर बेबी को हिलता हुआ फील करने के लिए बेताब हैं, कुछ दिन और रुक जाइए। अब जानते हैं कि आपको इस वीक किन बातों का ख्याल रखना है। आप एक परफेक्ट बैलेंस्ड डाइट लें, आयरन रिच फूड खाना और आयरन सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल ना भूलें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई बिल्कुल ना लें, अपनी रूटीन विजिट्स के लिए ज़रूर जाएं ताकि आपका डॉक्टर आपके बेबी की और आपकी हेल्थ को क्लोजली मॉनिटर कर सके। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस वॉज़ ब्रॉट यू बाई न्यू मॉमी ऑन द ब्लॉग। थैंक यू।